सो गाइस, आपने देखा जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ। एक व्लॉगर है जिसका नाम TRC व्लॉग है। यार यही एक रीज़न है जिसके कारण आज हमें गाड़ी में व्लॉगिंग करनी पड़ रही है। घरों तक चालान आने लगे हैं तो इतना मुश्किल हो गया। सो प्लीज़ यार, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह से मत इतना रैश ड्राइव। तो एक अपना राजा DC है भाई, और प्राई चेहरे से भी भरा पैरे में, मैं क्या कहते हैं, पैरी पूरा करना भरा, पैर में पड़ता हूँ भरा। इतनी स्पीड बाइक मत चलाया कर। देखिए यार सामने का नजारा देख रहे हैं आप। कल परसों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश वगैरह हुई है, तो क्या मस्त मौसम आया। सो गाइस, अभी हम आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ब्रिज के नीचे हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी अपनी पिस्ट लगी है I20, इसका मैं आपको बता देता हूँ फुल, मतलब कि किस तरह से हम मैंने इतनी मॉडिफिकेशन की है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और चेक करिए गाइस, ये आप देख सकते हैं कितनी सारी फैमिलीज यहाँ पे गर्मियों का मज़ा ले रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द ड्यूल राइडर्स। सो गाइस, हैप्पी संडे टू ऑल। तो आज हम अपने व्लॉग के लिए निकल रहे हैं, अभी रास्ते में हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं, और आज का जो क्लाइमेट है वो भी मस्त है, और अभी राइड में निकल रहे हैं। देखते हैं, व्लॉग तो बनता रहता है, क्या कंटेंट मिलेगा रास्ते में चलते चलते। सो हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय करिए राइड को, लेट्स गो। सो गाइस, मैंने देखा कि यहाँ पे YouTube पे ना कंटेंट से ज़्यादा स्टंट मिल रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, मतलब मेरा उस वीडियो को नेगेटिव लेकर नहीं था, यानी कि जैसे अपना आमिर भाई है, आमिर भाई का मैंने वीडियो डाला था, किसी बंदे ने ऐसे साइड किया था, मैं यार चलो जो भी है फैंस हैं उसके, फेमस है बंदा, उसके लिए मैंने वीडियो डाला, तो उसके कुछ जो फैन फॉलोअर्स थे वो कमेंट करने लगे, ठीक है कि ये है लेजेंड है। मतलब मुझे किसी टाइम पे ऐसे लगता है कि यार पाइड पाइपर नहीं होता जिस तरह से वो बॉन्सरी बचाता है, तो वो चूहे चलना स्टार्ट हो जाते हैं। कंटेंट का मतलब ही कुछ और है। अगर आज हम आए हैं अपना कार में राइड कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और है, मतलब कि कंटेंट हमने लास्ट कंटेंट भी डाले। मैं अपने आप को ये नहीं बोलूंगा कि यार हमारा कंटेंट है जो सबसे ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं बोलूंगा। मतलब हमारे जैसे ही कुछ भाई कंटेंट बनाते हैं, बट यूट्यूब में कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी चल रही है यार। अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो भी यार अपनी जगह सही कर रहे हैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं चलान हो रहे हैं तो सही है यार। आप अपने पब्लिक रोड पे स्टंट करोगे तो वो तो बहुत गलत है यार भाई। तो यार दूसरा, मैंने बड़े सारे क्यूट गर्ल आ गया यार। क्यूट गर्ल मतलब यार एक बंदे का चैनल है, मैं XYZ उसका नाम नहीं लूंगा, और एक बंदा क्यूट गर्ल के नाम से चढ़ा था अपना भाई जन्नू भाई, तो उसके बाद लोगों ने स्टार्ट ही कर दिया। ऐसी बात नहीं, हमने भी एक वीडियो डाला उसके ज़्यादा नहीं है, मतलब एक बंदे ने तो हद कर दिया यार, क्यूट गर्ल। तो एक अपना राजा DC है भाई, और प्राई चेहरे से भी भरा पैरे में, मैं क्या कहते हैं, पैरी पूरा करना भरा, पैर में पड़ता हूँ भरा। इतनी स्पीड बाइक मत चलाया कर। और भरा तेरी पीछे भी फैमिली है, अगर उसकी फैमिली है तो यार उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो देख लें यार भाई का। छोटी एज का हमारा छोटा भाई है, मेरे से मेरे ख्याल से वो कम से कम यार ज़्यादा नहीं तो 6-7 साल छोटा होता है, नहीं ज़्यादा होगा। तो यार भाई ये मतलब कि अनमेच्योरिटी है, मेच्योरिटी लेवल नहीं है यार भाई, थोड़ा ध्यान से चलाया कर। और लोग यार, आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें नेगेटिव लगती हैं तो मत देखिए यार उनका, क्योंकि उनका मनोबल आप ही बढ़ाते हो यार। भाई क्या स्टंट मारा यार, क्या कर दिया यार, ओ भाई तबाही है, ये है वो है, तो बंदे और ज़्यादा मच्छर जाते हैं यार। अभी जो एक हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है यही अपने सिद्धरा हाईवे पे, जो एक लड़का था उसका मैं एक्चुअली ब्लॉग देखा मैंने, उस लड़के का मतलब एक दूसरी साइड से वो एक दूसरी लेन पे आके गिरा इतनी पूरी तरह से, और उसकी जो लेग इंजरी हुई है भाई यार, टोटली मैं देख के भाई परेशान हो गया। उसका जो हाल हुआ वो भाई लोग जानते हैं, जो जिसने वो वीडियो देखा होगा। तो यार सुन से यार, ये चीज़ तो गलत है। तो भाई यार ये मतलब कंटेंट बनाने का एक मतलब होता है कि वो अगले के लिए यूजफुल हो वीडियो। यार इधर तो तबाही होगी, सिद्धरा रोड को तो यार माँ बहन एक कर दिया यार सिद्धरा रोड की। और हम आज
आज ऐसे हम गाड़ी में निकले हैं, मकसद यही है कि इन दिनों काफी इसी चीज को लेके काफी स्ट्रिक्ट हो गया है ना पुलिस वाले, हमें भी डर लग रहा है। आप सिंपल बाइक में जा रहे हो, मोटो व्लॉगिंग का वो आगे गोप्रो लगा है, स्टंट की वजह से जो है ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले होना भी चाहिए यार, और उसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम आ रही है। हम डर रहे हैं कि यार हमें चालान हो जाएगा कुछ, किसी भी चीज का नहीं हो जाए, क्योंकि वो चीज इतनी लीगल भी नहीं है। ये हम भी मानते हैं कि लीगल नहीं है, वो कहते हैं कि फ्रंट फेस नहीं, वहां से दिखता नहीं है हेलमेट से, बट ये है कि इतना इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बस ये स्ट्रिक्टनेस हुई है एक स्टंट की वजह से, स्टंट्स वगैरह करते हैं उसकी उसकी वजह से हुई है। और भाई साहब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ये तबाहियां मत मचाओ, कोई कंटेंट है वो तरीके का कंटेंट बनाओ यार, सही कंटेंट बनाओ जिसका मतलब हो। और उसकी वजह से क्या है कि यूट्यूब की जो मतलब कि व्यूअर्स थे, जो वॉच मतलब देखते थे, उनका मनोबल भी टूट चुका है। वो कहते हैं यार जब यूट्यूब खुलता है ना, वहाँ सिर्फ यही आता है बाइक क्रैश, ये क्रैश, वो क्रैश। और एक बंदा है भाई, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, उसकी तो रोज उसके साथ इंसिडेंट हुआ होता है, बाइक क्रैश होगी, ये बंदा यहाँ गिर गया, ये वहां गिर गया, सामने मिलता स्क्रिप्ट है और यार वो दिखाना क्या चाहते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे इतना उनका भी मतलब एक यकीन नहीं होता कि यार वो इस इंसिडेंट के साथ वो रियल समझते हैं यार, सामने दिखता है यार स्क्रिप्ट है, कोई वीडियो है यार यूजफुल। मैं उनको नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि यार चलो यार एंटरटेन कर रहा हूँ, अलग चीज है एंटरटेनमेंट, अलग चीज है, लेकिन यार एंटरटेनमेंट हो गया लाइक कॉमेडी है, तो वो पता है कि कॉमेडी कभी भी रियल नहीं होती, कॉमेडी की जाती है, चलो वो चीज को मान सकते हैं, बट यार जो आप इंसिडेंट करते हो, लाइफ क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक बुरखा गैंग भी आई है, कोई नकली सी गोलियां लेके लगे हुए हैं, भाई क्या दिखाना क्या चाहते हो यार, क्या यार दिखाना चाहते हो, रोड रेज एक चीज है तो उसके पीछे ही पड़ जाते हो बिल्कुल, मतलब उसी का। और यूट्यूब जब हम ओपन करते हैं एक पे एक ज्यादा वीडियो, बस यही चल रहा होता है यार भाई। बाकी दोस्तों यार आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यार, आप भी सजेस्ट करो किस तरह का कंटेंट आपको पसंद है, हमें कुछ सजेस्ट कर रहे थे कि स्टंट करो, तो वो हम नहीं करेंगे, स्टंट्स वगैरह नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो यार तो हमारा जो एक्सप्लोर करने का यार इस चीज का हम कर रहे हैं आपके लिए फायदा है आपका, कल को आप कहीं घूमने का प्लान कर सकते हो कहीं भी। अब आप जैसे स्टंट्स देखते हो, आप में से कौन है जो फैमिली, कौन सा ऐसा बंदा है जो स्टंट ट्राई करेगा, मतलब फ्यूचर को अपना स्टंट में देखता है कि, और कितनी लाइफ, कितना मतलब कितनी देर तक आदमी एक स्टंट कर पाएगा यार, कितना करेगा कि, मतलब बंदा आ गया आपको हजारों मिल जाएंगे, और जो प्रोफेशनल स्टंट्स मैन है वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा क्या है कि मतलब वो कंटेंट है क्या, वो कंटेंट अगर आपको लगता है कि कंटेंट है, आप प्लीज कमेंट करके बताएं, अगर नहीं है तब भी कमेंट करें आप बताएं क्या वो कंटेंट है यार। बाकी यार हमारा पूरा उसी पे फोकस है कि अननोन प्लेस को एक्सप्लोर करें, बस ये है कि भाई लोगों आपका सपोर्ट चाहिए यार, आप सपोर्ट करिए प्लीज, वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल करिए। देखिए यार सामने का नजारा देख रहे हैं आप, कल परसों से क्लाइमेट चेंज हुआ है, बारिश वगैरह हुई है, तो क्या मस्त मौसम आया, ये देखिए नजारा गाइस, देखिए अपने हाईवे से नीचे को आ गए हैं ऑफ रोड की तरफ, और यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह से है, कुछ शायद आप जान सकें, ये पहले भी एक लोकेशन डाली, ये देखिए ब्रिज के नीचे आ गए हम, सामने मंदिर, और यहाँ पे क्राउड देखिए कितना क्राउड है यार, यहाँ पे सरोवर है इस साइड के, यहाँ पे लगाओ वो है जगह, वहाँ पे उस साइड लगाएंगे हम, गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी पहले। तो गाइस अभी हम आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ब्रिज के नीचे हैं, यहाँ पे पहुंच चुके हैं, बाकी अपनी पिस्ट देखिए आईडेंटिटी, जिसका मैं आपको बता देता हूँ फुल, मतलब कि किस तरह से हम मैंने किस कितनी मॉडिफिकेशन की है वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहें। तो गाइस चेक कर रहे हैं आप, ये देखिए देखिए जो इसका अलॉय है, अलॉय मैंने अकॉर्डिंग जो कंपनी के मतलब की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 16 इंच के अलॉय डलवाए हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से पता चलता है, कुछ लोग 17 इंच के अलॉय भी डलवाते हैं, यहाँ पे साइड पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 185-70, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है R16, यानी कि मैंने मैक्सिमम 16 इंच का ही डलवाया है अलॉय, और ये काफ़ी लुक को एनहांस करता है, आप देख सकते हैं ये देखिए। बाकी मैंने यहाँ पे आपको बताया हम ब्राह्मण भाई हैं, तो ब्राह्मण का साइन लगाया हुआ है, बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे स्ट्रिप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये लगाई हुई है, और पीछे मैट लगाया हुआ है ब्लैक कलर का, जो नेट होती है वो लगाई है, ऑटोबॉट्स लिखा हुआ है, ये एक कंपनी है जो मॉडिफिकेशन करती है, ये उनका साइन है, लोगो है। बाकी आप बताइए कमेंट करके कैसी लग रही है गाइस गाड़ी, और ये पेट्रोल का जो मैंने स्पेशली लगाया हुआ है, कुछ लोग स्टिकर लगाते हैं बट मैंने 3D में लगाया हुआ है, ये आप देखिए। सो गाइस अब बाकी आप बताइए किस तरह से लग रही है गाड़ी, ये कितनी
कितने टू व्हीलर्स हैं और कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं यहाँ पे, सब यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। जब गर्मियों में टाइम में मैंने शायद हमारा आपने लास्ट ब्लॉग देखना, लास्ट से लास्ट मतलब कि मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम, एक महीने पहले हमने ब्लॉग डाला था, तब पानी नहीं था, तो हमने वहाँ पे बताया था कि यहाँ कुछ दिनों में हो जाएगा, स्विमिंग पूल की तरह बन जाएगा, तो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। वो पास जाकर हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहना, ऐसे ही हम बताते हैं आपको। और चेक करिए गाइस, ये आप देख सकते हैं कितनी सारी फैमिलीज यहाँ पे गर्मियों का मज़ा ले रहे हैं। और ये बिल्कुल नियर बाय प्लेस है, आपके बिल्कुल पास ही में है जम्मू में। पहले इतना यहाँ का नहीं था, इतना मालूम नहीं था लोगों को, लेकिन अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोगों से एक्सप्लोर किया और यहाँ पे इस चीज़ के लिए बनाया, तो काफ़ी अच्छा। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं यहाँ के लोग। कभी आप भी आए तो यहाँ जम्मू में दम्मी नाम है इस जगह का, दम्मी विलेज, विलेज दम्मी। देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यार, देखिए। और आप भी इंजॉय कर सकते हैं यार, स्पेशली समर्स में। सो गाइस देखिए नज़ारा यहाँ का, देख रहे हैं कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे। और गर्मियों में जब ये सब यहाँ पे मिल जाए आपको, सरोवर जिसे हम कहते हैं चंडी माँ सरोवर, तो इसका मज़ा ही कुछ अलग है। देखिए लास्ट में जब आए थे तब इसका इतना मालूम नहीं था लोगों को, सही तब ये खाली पानी, पानी भी नहीं भरा हुआ था, अभी से पूरी अच्छी तरह से पानी भरा हुआ है। और देखिए पास के लोग इन्जॉय कर रहे हैं जम्मू से, स्पेशली लोग यहाँ पे आके इन्जॉय कर रहे हैं। आप भी जो पास के हैं, नियर बाय जो रहते हैं इस लोकेशन में, आके इन्जॉय करिए, मज़ा लीजिए। देखिए चलो आगे का भी बताते हैं नज़ारा। सो गाइज अभी देखा आपने जो हमने बताया आपको, सरोवर जो कि एक दम्मी विलेज पड़ता है जम्मू के पास में ही है, और सबसे पहला व्लॉग हमारा ही था। हमने देखो हमने लास्ट व्लॉग में आपको एक बार व्लॉग डाला था इसी के, तब यह शुरू नहीं हुआ था। अब देखो कितने सारे लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और हमने तब फर्स्ट व्लॉग डाला था, हमें लगा था कि शायद आगे जाके सही चलेगा। देखो बाकी अभी हम जा रहे हैं आगे लोकेशन, अभी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, बस वीडियो एंजॉय करिए हम, तो बाकी कुछ भी अच्छा दिखता तो आपको बताते हैं। और भैया स्किप मत करिएगा यार, वीडियो फुल देखिए लास्ट एंड तक, हम कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया कॉन्टेंट आपको देते रहिए। चलो मिलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्टेंट। सो गाइस अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में पहुंच चुके हैं, यहाँ तो देखिए, देखिए यहाँ पीछे का नज़ारा हाईवे, और ये देखिए हमने ये लोकेशन देख रहे हो आगे, मोस्टली बंदों ने देखी होगी। आगे दिखाते हैं पहाड़, दिखाते हैं इतना ज़बरदस्त पहाड़ है यहाँ से दिख रहा है, हम थोड़ा आगे चल के दिखाएंगे आपको। यहाँ से तो चलो काफ़ी लोगों ने देखा ही होगा आई थिंक, बट हम थोड़ा आगे जाएंगे, वो देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। चलो भाई आगे जाके दिखाते हैं, हमारे जम्मू में भी पहाड़ कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त यार, यहाँ से देखो क्या ज़बरदस्त आ रहा है यार, यहाँ से घूमा कर दिखा दे पीछे की तरफ। ये देखिए भाई, ये देखिए हमारे पीछे का लोग, वो देखिए पीछे का नज़ारा, ज़बरदस्त नज़ारा है, ये देखिए। और यहाँ से तो बिल्कुल नीचे है, ये देखिए भाई खाई है यहाँ, ये पुराना रोड है ना बंद हो गया, ये पहले यही रोड थी जो नीचे दिख रही है आपको, यही कश्मीर था हाईवे था, छोटा सा हाईवे, छोटा सा रोड जाता था। चलो आज भी याद है हम वो खाते थे क्या, वो यार पनीर के पकोड़े ना, नीचे बाजार होता है, काफी नीचे बाजार होता है, नीचे से जाता था रास्ता, ये बंद हो चुका है पूरी तरह से। सो गाइस अभी हम पॉइंट से काफी दूर आ चुके हैं, जो कि आपको एक अच्छा सा पॉइंट दिखाना था, व्यू दिखाते हैं आपको, मैं बैक साइड टर्न करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये नज़ारा देखिए पीछे का, बिल्कुल जबरदस्त नज़ारा है यहाँ का, ये देखिए क्या मस्त लग रहे हैं लोकेशन, ये देखिए भाई। और गाइस बताइए कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लोकेशन लग रही है आपको, ये देखिए थोड़ा और आगे चल के दिखाते हैं, रास्ता थोड़ा सा डेंजर है बट ध्यान से चलना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ से भाई, यहाँ से तो बिल्कुल नीचे की लोकेशन है, ये देखिए। सो गाइस कैसी लग रही है लोकेशन आपको बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ये देखिए ज़बरदस्त, व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू।